भारी विरोध के बाद सूबे की सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी है, जिसके बाद से किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और पोर्टल के माध्यम से भी मंडियों में धान लाया जा रहा है। वहीं मंडी में खरीद और भंडारण के लिए सभी आवश्यक प्रबंध विभाग द्वारा किए गए हैं, लेकिन धान का अम्बाला मंडी से उठान न होने की वजह से किसान बेहद परेशान है, क्योंकि बीती रात भी हुई बरसात के बाद खुले में पड़ा किसानों का धान काफी भीग गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। मंडी के अंदर तो देखो जी, यहाँ प्रॉब्लम, एक तो जगह नहीं मिल रही उतारने के लिए, उतारने की जगह नहीं है। जो कल के माल पड़े वो बरसात पड़ी ऐसे बिक गए जी बाहर, ठीक है जी। गेट पास नहीं कट रहे जी गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो पहले का 20 दिन का माल पड़ा वो स्टॉक पड़ा जी, जगह की तंगी है। अगर ट्रली लेकर आए बरसात आ जाए सेड के नीचे जगह तो मिल जाए खड़ने के लिए। अब यहाँ तो स्टॉक पड़ा जी पुराना पहले ही, ट्रली खड़ाने के लिए भी जगह नहीं है जी। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ बरसात की है जी, एक तो ये सारा माल पड़ा है उठ नहीं रहा यहाँ से, अगर ये माल उठे तो दूसरा माल लगे जी, ट्राली खड़ाने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। एक तो कल बरसात आई थी बाहर, देखो ये बाहर दिखाओ, इधर सारी बोरियाँ भीगी हैं रात को। ये माल कब का पड़ा हुआ यहाँ पे? ये कभी का पड़ा है, 15-20 दिन हो गए इसको पड़े हुए जी, उठा ही नहीं यहाँ से। और किसी गेट पास की किस चराई को? गेट पास तो कटाई नहीं बता जी। फिर कैसे देंगे फसल? देखते हैं अभी क्या बनेगा आज, चांद साहब ऐसे गेट पास कटा देंगे आज। किसानों का कहना है कि मंडी से धान के उठान न होने की वजह से शेड खाली नहीं हो पा रहे और उन्हें अपना धान लेकर बाहर खुले में खड़े होने पर मजबूर होना पड़ा है, और बारिश के चलते धान भीग रहा है जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तो उन्हें गेट पास की समस्या आ रही है और दूसरी शेड के नीचे जगह खाली न होने की वजह से उन्हें अपना धान लेकर बाहर खुले में रखना पड़ रहा है, और ऊपर से बरसात हो रही है जिसकी वजह से धान भी गीला हो रहा है और कम भाव मिल रहा है। किसानों की प्रशासन से मांग है कि धान को मंडी से जल्द उठाने का इंतजाम कराए, जिससे शेड खाली हो ताकि धान रखने के लिए शेड के नीचे धान उतारने की जगह मिल सके। अभी तक हमारी मंडी माला कैंट में 1,00,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है, जिसमें से 39,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है, और जहां तक लिफ्टिंग का सवाल है, लिफ्टिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। किसानों का कहना है कि लिफ्टिंग ना होने के कारण उनका फसल जो खुले में पड़ी हुई है वो बारिश के अंदर नुकसान हो रहा है। हाँ जी है, वो तो है, पर लिफ्टिंग के बारे में भी चल रही है कार्रवाई, तो ये भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी, हो सकता है आज या कल में शुरू हो जाएगी लिफ्टिंग। वहीं मंडी सचिव नीरज भारद्वाज का कहना था कि अब किसानों को गेट पास की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सरकार से आदेश मिल चुके हैं कि जो भी किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो अपना धान मंडियों में ला सकते हैं, और मंडियों से धान उठान की व्यवस्था भी जल्द कर दी जाएगी जिससे किसानों को कोई दिक्कत न आएगी। अब देखना ये होगा कि किसानों की समस्या का हल कब होगा। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।